हेलो पाइसिस, वेलकम टू गुरुवा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर पाइसिस। टेन ऑफ चैलिसेस, फाइव ऑफ एटम्स, द व्हील ऑफ द ईयर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द होली किंग, नाइन ऑफ चैलिसेस, द लॉर्ड ऑफ शेड्स, एस ऑफ चैलिसेस, एंड द हार्वेस्ट। ओके पाइसिस, टेन ऑफ चैलिसेस के साथ आप देख रहे हैं कि ये कपल कितना खुश है, पूरी तरह से एक दूसरे में खोया हुआ है, एंजॉय कर रहा है और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस वीक में ऐसी कोई चीज होने वाली है जो आपको इरिटेट करे या अच्छी ना लगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर इस तरह की कोई बात करेंगे या कोई आर्ग्यूमेंट या कोई भी प्रॉब्लम आएगी। मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं। आप समझते हैं कि आप जो भी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं वो कीमती है और उसे अब आप वेस्ट नहीं करना चाहते। आपके रिलेशनशिप को किसी चीज ने स्ट्रांग कर दिया है और ज्यादा। ओके, ये सेपरेशन हो सकता है या किसी तरीके का स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर और आप बहुत हैप्पी दिख रहे हैं एज अ कपल और हैप्पीनेस है चारों तरफ, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप में। पर अगला ही कार्ड आपका देखें तो फाइव ऑफ एथेम्स का है, मतलब कि ये जो अच्छी चीजें हो रही हैं इस पे आपको यकीन नहीं हो रहा। आपका मन डर रहा है, आप सोच रहे हैं कि क्या ये हमेशा चलेगा, क्या हमारे बीच यही लव एंड अफेक्शन हमेशा रहेगा, यही प्यार रहेगा हमारे बीच, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे पास्ट में कुछ हुआ है, पहले कुछ हुआ है आपके लाइफ में जिसने आपका दिल तोड़ा है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। मुझे लगता है कि आपके अंदर का ये जो डर है वो आपको अपने आज को भी एंजॉय करने से रोक रहा है। कल क्या होगा उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए पाइसिस, अगर आज अच्छा है तो उसका मजा लेना जरूरी है, उसको उस वक्त को जीना जरूरी है,
क्योंकि हम सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आते ही रहेंगे. ओके जो भी चीजें आती हैं उससे हमें डील करना ही पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अच्छे समय को सिर्फ ये सोच के खराब कर रहे हैं कि आगे क्या होगा. ज्यादा मत सोचिए. द व्हील ऑफ द ईयर के साथ भाग्य आपके पक्ष में है. किसी भी चीज से जिससे आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आप देखेंगे आपका काम जो है वो आसानी से बनता जाएगा. जो चीजें रुक गई थी वो फिर से मूवमेंट में आएंगी और हर चीज यहां पे अच्छी जाती हुई दिख रही है. अगला कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स का. फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ कमिटमेंट है. आप रोमांटिक बातें कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ कमिटमेंट शादी का. ओके आपकी बातें शादी तक पहुंच सकती हैं या आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं. बहुत अच्छा कार्ड है और हैप्पीनेस, फैमिली, हर चीज यहां पे मौजूद है इस वीक में. द होली किंग के साथ आप श्योर नहीं हैं. आप कभी भी हाँ करने से पहले सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके साथ रहेगा, आप उनसे शादी करेंगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके और इनके बीच पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं. इसका मतलब ये नहीं है पाइसेस कि आगे कोई प्रॉब्लम होगी ही या नहीं होगी. प्रॉब्लम्स सबके रिलेशनशिप में आती है. ये नहीं सोच सकते आप कि इसके बाद जीवन फेरी टेल जैसा चलेगा. हमें साथ में स्ट्रगल करना पड़ता है और तभी हमारे रिलेशनशिप चलते हैं, चाहे किसी भी रिलेशनशिप की बात हो. अगर आप यानी 2021 की रीडिंग देखना चाहें और प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल. और ये जनरल रीडिंग है, पाइसेस सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. अगला कार्ड है नाइन ऑफ चैलिसेस का. विश फुलफिलमेंट है. जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, वो चीज आपको मिल रही है. लेकिन जब आपको मिल रही है तो आपको लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी. आपके मन के अंदर डर बैठा हुआ है कि सब इतना अच्छा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी. ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए. द लॉर्ड ऑफ शैडोज आप इधर देख रहे हैं. मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रगल किया है. बहुत लंबे समय तक आपने टॉलरेट किया बहुत कुछ और फाइनली आप अंधेरे में से सफर करते 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 आपका इंतजार अब खत्म हो रहा है. आप रोशनी की तरफ आ रहे हैं. आप देख पा रहे हैं अपना फ्यूचर. अब आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप का अंजाम क्या होने वाला है. ओके आपको अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है. अगला कार्ड है एस ऑफ चैलिसेस. आप जो भी काम करना चाहें वो आपको यूनिवर्स, उसमें लक है आपके साथ. आप जो भी करना चाहें और हर चीज सक्सेस होगी, चाहे वो वर्क की बात है या रिलेशनशिप की. पाइसेस अगर आप किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा वक्त है. आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा. ओके यह कार्ड है हार्वेस्ट का. हार्वेस्ट के साथ अब आपको अपने कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है. अगर आप अपने रिलेशनशिप में अच्छे रहे हैं, हार्वेस्ट आपको वही देने वाला है जो आपने किया है. अगर आप पेशेंट रहे हैं, हर चीज को आप हैंडल करते रहे हैं, आपने अपने रिलेशनशिप में डेडिकेशन और लॉयल्टी दिखाई है, तो उसका फल आपको मिलेगा और आपके पार्टनर ये रियलाइज करेंगे कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है. आपको कमिटमेंट मिलेगा और हैप्पीनेस है आपके लिए. तो आप इस बारे में डाउटफुल मत रहिए कि ये चीजें फेक है या रियल है. ये रियल है, ये वही चीजें हैं जो आप डिजर्व करते हैं और वही चीजें आपको यूनिवर्स दे रहा है. इसमें कोई अलग बात नहीं है जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छाई देख के आपको डाउट हो रहा है कि इतना अच्छा भी कुछ होता है क्या. ओके सो द होली किंग के साथ आपको ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है. आराम से चलिए, आपके साथ सब अच्छा ही होने वाला है. सो ये थी रीडिंग आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.